यह है शिमला से 60 किलोमीटर दूर कोटखाई तहसील। 4 जुलाई को इसी तहसील के गांव की रहने वाली 16 साल की एक लड़की स्कूल गई थी। यह लड़की इस स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। लड़की को हर रोज 2 घंटे का पैदल सफर तय करके 10 किलोमीटर दूर अपने स्कूल जाना पड़ता था। लेकिन 4 जुलाई की शाम को लड़की अपने घर नहीं लौटी। घर वालों ने खोजबीन शुरू की लेकिन कहीं पता नहीं चला। अगले दिन गांव वाले लड़की की खोज में इस जंगल में पहुंचे तो इसी गड्ढे में लड़की का शव मिला। लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं थे, मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। घर वालों के मुताबिक लड़की की एक बांह और टांग में भी फ्रैक्चर था और शरीर पर सिगरेट से जलाए जाने के निशान भी थे। सर बहुत दरिंदगी से छह साल क्या हुआ था सर? हाँ जी सर, बहुत दरिंदगी हुई है लड़की के साथ, जो कि उसके बिल्कुल पता लग रहा है सर। शीन में भी कई दाग दिख रहे थे सर उसके। मामला पुलिस तक पहुंचा तो शुरुआत में पुलिस ने इस घटना को बहुत ही हल्के में लिया और बहुत दिनों तक पुलिस को आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच कुछ नाराज लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। पुलिस और सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के फेसबुक अकाउंट पर एक सूचना पोस्ट हुई। इस पोस्ट में यह दावा किया गया कि इस गैंगरेप के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही इन 4 आरोपियों की तस्वीरें भी पोस्ट की गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री के फेसबुक अकाउंट से इन तस्वीरों को डिलीट कर दिया गया। अगले दिन पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि इस गैंगरेप के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी वो नहीं थे जिनके बारे में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की फेसबुक पोस्ट में जिक्र किया गया था। इसी के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। 14 जुलाई को लोग शिमला में सड़कों पर उतर आए। गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए हजारों लोग शिमला में जमा हो गए। महिलाएं, स्कूली बच्चे, स्थानीय लोग सभी प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अचानक ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस और सरकार कुछ स्थानीय लोगों को बचा रही है जो रसूखदार हैं। हमें चाहिए कि पुलिसबाजी और कहानीबाजी बंद हो और असली जो गुनहगार हैं उनको पुलिस सामने लाए। हमारी सरकार से सिर्फ इतनी दरखास्त है कि हम जो मुजरिम है उन्हें सजा दिलाए, उन्हें नहीं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ऐसे संवेदनहीन बयान भी आते रहे जिन्होंने लोगों के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। वो कोई हमारे मामा चाचा लगते हैं जिन्होंने आरोपी है। पुलिस ने जिन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था अदालत से उनका रिमांड हासिल किया। लेकिन 18 तारीख को इनमें से एक आरोपी सूरज की पुलिस हिरासत में हत्या हो गई। पुलिस के मुताबिक सूरज के ही एक और साथी राजू ने उसकी हत्या की थी। राजू भी इस गैंगरेप और हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। गुड़िया रेप कांड संसद में भी उठ चुका है। एक और की उसको जेल में मार दिया गया, क्या इसके सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है? पर देश की सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। मुख्यमंत्री जी अपनी वेबसाइट पर डालते हैं कि हमने 5 लोगों को पकड़ लिया, उसकी फोटो डालते हैं और चंद घंटों के बाद उसको निकाल दिया जाता है। पुलिस कहती कि नहीं है, वो लोग नहीं है। सच्चाई क्या है? इस रेप और हत्याकांड के बाद जब शिमला में लगातार प्रदर्शन होने लगे तो हाईकोर्ट के कहने पर सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी और करीब 1 महीने तक जांच करने के बाद सीबीआई ने 8 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है। ये सभी पुलिस वाले उस एसआईटी के सदस्य थे जो सरकार ने बनाई थी इस मामले की जांच करने के लिए। जब सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की तो पता चला कि सूरज की हत्या राजू ने नहीं की थी। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए पुलिस वालों के मोबाइल फोन हत्या वाली रात को उसी लोकेशन पर थे जहां पर हत्या हुई। इसके अलावा थाने के एक संतरी ने यह भी बयान दिया कि राजू और सूरज नामक आरोपियों का आपस में कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। जब झगड़ा नहीं हुआ तो फिर हत्या किसने की? सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि आईजी जहूर जैदी ने इस केस से जुड़े कुछ सबूत मिटाए हैं। स्थानीय लोग यह आरोप बहुत पहले से लगा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने गुड़िया के रेप और हत्याकांड में शामिल असली आरोपियों को पकड़ा ही नहीं, असली आरोपियों को छोड़ दिया, बल्कि उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो निर्दोष हैं। अब सीबीआई असली गुनहगारों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है।